आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं, मानव और धारा तीनों ही कहीं जा रहे हैं। तो चलो कहाँ जा रहे हैं मैं वहाँ जाकर ही बताऊंगी आप लोगों को। और धारा के पापा दुकान पर है, वो नहीं आ रहे हैं। हम तीनों ही माँ बेटे जा रहे हैं। तो चलो वहाँ जाकर आपसे मिलती हूँ और आपको वहीं जाकर बताऊंगी कि मैं कौन सी जगह पर जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे। तो अभी हम पहुंच गए हैं गुरुकुल। यहाँ पर स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये प्रेमवती नंदन घनश्याम महाराज जी है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मैंने, मानव ने, हम सब ने यहाँ पर दर्शन किए हैं और अभी मानव दंडवत प्रणाम करेगा, क्योंकि स्वामीनारायण संप्रदाय में इस तरीके से ही भगवान के दर्शन किए जाते हैं। और ये बहुत ही बड़ा हॉल है, आप लोगों ने देखा, ये सभाखंड है। यहाँ पर सत्संग और कीर्तन सारी ही चीज़ें यहाँ पर ही होती थी जब मानव यहाँ पर पढ़ता था। और मानव यहाँ पर 5 साल पढ़ा है, 6ठी में से 10वीं तक यहीं पर गुरुकुल में पढ़ा है और यहीं पर ही रहता था ये। तो इसी तरीके से इसे सिखाया जाता है कि इस तरीके से दंडवत करके प्रणाम किया जाता है। और आप देख सकते हो कितना बड़ा हॉल है, सामने मेन गेट है, वहीं से हम अंदर आए थे। तो अभी मानव पूरे ही मंदिर की प्रदक्षिणा करेगा 4 बार अच्छे से, और फिर उसके बाद दंडवत करेगा और फिर मैं दर्शन करूंगी। और धारा देखो पीछे पीछे घूम रही है। तो मैंने भी अच्छे से यहाँ पर भगवान प्रेमवती नंदन घनश्याम महाराज जी के दर्शन कर लिए हैं। मैं और मानव दोनों ही स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो अभी हम चलते हैं मानव की गुरुकुल देखने के लिए। मैं आपको आज मानव की पूरी ही स्कूल दिखाऊँगी, उसकी गुरुकुल दिखाऊँगी, जितनी हो पाएगी उतनी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर ये मानव की गुरुकुल का पार्किंग है, यहाँ पर सारी ही गाड़ियाँ पार्क होती थी स्कूल की। और अभी हम अंदर जाएंगे और आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वो टीबी हॉस्पिटल है। ये हमारे शहर की सबसे पहली हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पर सारे ही दर्दियों को रखा जाता था जिसे टीबी होती थी। तब के ज़माने में ये बहुत ही बड़ी बीमारी मानी जाती थी जिसे अछूत कहा जाता था, और अलग रखते थे और इसकी सारी ही देखभाल यहाँ पर ही होती थी। तो ये मानव का एक्टिविटी रूम है, यहाँ पर कराटे, म्यूजिक और सारी ही चीज़ें यहाँ पर ही सिखाते थे। अभी तो ये गुरुकुल बंद हो गया है, 3-4 साल हो गए हैं स्कूल बंद हुए। तो यहाँ से गुरुकुल की स्टार्टिंग हो रही है। तो ये देखो अभी मानव की स्कूल भी आएगी यहाँ पर। तो ये सारे कमरे हैं, यहाँ पर मानव पढ़ता था, ये सारे ही कमरे अभी तो बंद पड़े हैं फिलहाल के लिए, तो क्योंकि स्कूल ही बंद हो गई है। तो अभी एक जगह और मैं दिखाऊंगी आपको, मानव मुझे लेकर जा रहा है। यहाँ पर मानव और सारे बच्चे पढ़ते थे, हर रोज़ एक पीरियड तो यहीं पर सारे बच्चे पढ़ते थे। और सामने जो बेंच दिखाई दे रही है वहाँ पर उनके सर बैठते थे और इसी पेड़ के नीचे सारे बच्चे बैठते थे, सर्दी हो गर्मी हो कोई भी हो यहीं पर बैठ के पढ़ते थे। और अभी देखो कैसी हालत हो गई है सारी ही गुरुकुल की, सारा अस्त व्यस्त हो गया है, पूरे ही गुरुकुल में कचरा है देखो, क्योंकि साफ संभाल कुछ नहीं हो पाती है और अच्छे से साफ सफाई भी नहीं हो रही है। और यहाँ पर ये सारे ही बच्चे खेलते थे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, ये खेल का मैदान है। और यहाँ पर ये स्टोर रूम था, तो वहाँ पर मानव देख रहा था सारी ही चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी। और ये स्कूल का दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर भी बच्चे पढ़ते थे। और मानव ने सभी कमरों में पढ़ाई कर ली है, वो मुझे बता रहा था कि मैं सभी कमरों में बैठता था क्योंकि 5 साल वहीं पर पढ़ा था। और ये देखो सारी ही, और ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर गणपति माँ, गणपति जी और सरस्वती जी की बहुत ही बड़ी मूर्त रखी थी। और सामने से स्कूल में आने का रास्ता है मानव जहाँ जा रहा है। और यहाँ पर 2 प्रतिमा रखी हुई थी, मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ तक की ये मूर्त थी, अभी तो नहीं है यहाँ पर। और ये गुरुकुल का नाम है, आप देख सकते हो स्वामीनारायण गुरुकुल अक्षयगढ़, इसी का नाम अक्षयगढ़ है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला भी लगता है और था मानव के स्कूल का लोगो भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। उनके कपड़ों में ये लोगो लगता था, आप देख सकते हो जो बीच में है वो उनके ड्रेस में था ये लोगो। तो ये अभी 2 ही चीज़ें यहाँ पर रह गई है, सारा ही ख़त्म हो गया है।
वरना हम यहाँ से खड़े होकर देखते थे तो सामने ही गणपति जी और सरस्वती जी की मूर्ति सामने ही दिखाई देती थी, और वो नज़ारा तो कुछ अलग ही था। और इतनी साफ सफाई होती थी कि पूछो ही मत। तो ये अभी स्टोर रूम में रखी हुई है, हमने बहुत ही मेहनत करके स्टोर रूम की खिड़की खोली है और वहाँ से देखा तो ये मूर्ति सारी स्टोर रूम में रखी हुई थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर घनश्याम महाराज की भी मूर्ति है और सरस्वती जी और गणपति जी है, और भी कुछ सारी चीज़ें रखी हुई है, और यहाँ पर बुक्स भी रखी हुई है लाइब्रेरी की। और ये है मानव का गुरुकुल का रूम। यहाँ पर पहले बार यहाँ इसी रूम में मानव रुका हुआ था, यहाँ पर इनको बेड मिला था। जो बार जो खिड़की के पास जो बेड है लास्ट वाला, वो मानव का बेड था वहाँ पर। और मानव तब भी ऐसे ही हाथों से पानी पीता था और आज भी मानव ऐसे ही पानी पी रहा है। और ये है भंडार, क्या कहते हैं मानव इसे, ये है भंडार। यहाँ पर बच्चे खाना खाते थे और सारी ही चीज़ें स्टोर करके भी रखते थे। अभी भी से सारी चीज़ें हैं, आप लोगों ने देखी है। और ये देखो सारा ही रसोई का सामान ऐसे कैसा ही रखा है, बड़े बड़े बर्तन है, परात है, कुकर, आप देख सकते हो। और अभी यहाँ गुरुकुल की ऑफिस में साफ़ सफाई हो रही है, कुछ बहनें हैं वो साफ़ सफाई कर रही है, क्योंकि दो तीन सालों से ऐसे ही पड़ा है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई करके सारी ही चीज़ें संगवा कर स्टोर रूम में रख देंगे। और अभी मानव यहाँ पर मुझे उनका रूम दिखा रहा है। मैं कभी इतनी अंदर आई ही नहीं थी, मानव 5 साल यहाँ पर पढ़ाई की, क्योंकि लेडीज़ को आना यहाँ पर मना था, लेडीज़ अंदर नहीं आ सकती थी क्योंकि स्वामीनारायण संप्रदाय था इसी वजह से। तो थारा जहाँ पर खड़ी है वहाँ पर मानव और सारे बच्चे शूज रखते थे, उनका ये लॉकर है शूज का। तो धारा देख रही थी खोल खोल कर इसमें क्या रखा है। तो अभी तो सारे ही कमरे खाली थे, पर यहाँ पर एक कमरे में अभी अलमारी रखी हुई है, इस तरीके की अलमारी थी। और एक बेड दिया जाता था सभी बच्चों को, और एक कमरे में 9 बच्चे रहते थे, एक तरफ 5 और एक तरफ 4। ये देखो यहाँ से सारी ही अलमारी निकाल ली है और दूसरी गुरुकुल में भिजवा दी है। और ये सारा ही खुला मैदान है, यहाँ पर सोलार था, फिल्टर, आरओ, सारी ही चीज़ें थी, बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी होती थी। और यहाँ का वातावरण भी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हमारे शहर से 5 किलोमीटर दूर है, तो पूरा ही जो वहाँ का माहौल था वो कुदरती था और बच्चों को भी पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता था। तो ये गुरुकुल का सारा ही मैदान है और ये सारे कमरे है। सामने आप जो मानव दिखा रहा है, वहाँ पर कोठार घर है, वहाँ पर खाना पीना रसोई वहीं पर ही होती थी। तो चलो यही सारी चीज़ें मुझे दिखानी थी, तो आप लोग भी देख लीजिए। 5 साल के बाद मानव भी आया है गुरुकुल में, तो वो भी यहाँ पर सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था, देख रहा था, और सारी ही मेमोरी अपने कैमरे में भी कैद कर रहा था, क्योंकि इस हफ्ते मानव फिर से अहमदाबाद चला जाएगा। अभी 1-2 दिन के बाद उनकी टिकट भी करवानी है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आप देख सकते हो पूरी गुरुकुल तो मैंने आपको दिखा दी, जहाँ पर मानव अभी बैठा है वहाँ पर ही मानव जब हम उससे मिलने आते थे गुरुकुल में, तो वहीं पर ही बैठता था और सामने गेट की तरफ मुंह करके बैठता था कि अभी मेरे मम्मी पापा आएंगे मुझसे मिलने, और सुबह से ही हमारी राह देखता था और यहीं पर बैठा रहता था। हम शाम को उसे मिलने आते थे, महीने में एक बार ही मिलने का होता था। तो यहाँ पर हम मिलने आते थे और ढेर सारी बातें करते थे, और यहीं पर मानव बैठता था। तो आज भी मानव वहीं पर बैठा है और इसी जगह पर बैठा है, तो हमारी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी वहाँ पर जाकर, क्योंकि पहली बार ही मैंने मानव को मुझसे दूर किया था। पर मैं कभी मानव को जताती नहीं थी कि तुम मुझसे दूर हो गए, तो मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, मैं उनके सामने कभी भी जताती नहीं थी। मैं हंसते चेहरे से ही जाती थी, उनसे मिलती थी, समझाती थी, बातें करती थी, और फिर घर पे आकर मैं बहुत ही ज़्यादा रोती थी। मैं मानव को कभी भी ये पता नहीं चलने देती थी कि तुम मुझसे दूर हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं मानव के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी कि वो पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो अपनी लाइफ में कुछ कर पाएगा। तो इसी वजह से तो यही बातें मुझे शेयर करनी थी। तो अभी मैं यहाँ पर धारा को और मानव को अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो देख रही हूँ, तो मेरे दिल को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे दोनों ही बच्चे अभी उसी जगह पर बैठे हैं और मैं उसे देख रही हूँ। ये लाइफ टाइम मेमोरी मेरे पास रहेगी।
तो यही बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, यही बताना था। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। कल फिर मिलूंगी ऐसे ही वीडियो के साथ और ऐसी ही बातों के साथ। जय श्री कृष्णा, जय माता जी, राधे राधे, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। पार्ट 2 देखना मत भूलना, सारी ही अच्छी अच्छी एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बाय।